नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के सलखुआ प्रखंड में एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में मैं बता दूं, जदयू की तरफ से ये मीटिंग थी और मीटिंग का नाम था जदयू जनसंवाद कार्यक्रम। ये जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जो है लोगों को मार्गदर्शन देना था कि नीतीश कुमार ने कितना काम किया है बिहार के लिए 18 वर्षों में, उस काम को गिनाना था। साथ ही साथ मीटिंग का ये मकसद था कि नए नए लोगों को जोड़ना, नीतीश कुमार के कामों को बताना और नीतीश कुमार के हक में वोट डलवाना। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सलखुआ प्रखंड के जो है वहाँ पर देखिए कि नेता हैं जदयू के रणवीर यादव, वो वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ जो है जदयू के जिला अध्यक्ष चरणदेव मुखिया जी वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे वो वहाँ पर मौजूद थे। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जदयू के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है, टोले मोहल्ले गांव हर जगह जा जा करके जो है लोगों को बताना है कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया है और उनके हक में वोट डलवाना है। पहले इस संदर्भ में जो है रणवीर यादव और साथ ही साथ जो है चरणदेव मुखिया क्या कुछ करें, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। देखिए, आज पार्टी संगठन का एक कार्यक्रम है ग्राम संसद और सद्भाव की बात, उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम लोग सलखुआ प्रखंड के समस्त जनता दल के साथी को आमंत्रित कर इस कार्यक्रम पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, आज तो देश में हालात उत्पन्न हुआ है, रोजी रोजगार की बात को छोड़ करके, महंगाई की बात को छोड़ करके, और देश के जो बैठे हुए आका है प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो सर्वमान्य प्रधानमंत्री, वो इन सारी मुद्दों को, हमारे जनहित के जो मुद्दे हैं उनको छोड़ करके और उनके द्वारा जितने भी मंत्रिमंडल के साथी हैं सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की बात करते हैं, समाज में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं, सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के काम करते हैं। इसलिए आज हम लोग, हमारे जनता दल यू परिवार के सभी साथी एकत्रित होकर के और समाज के बीच में जाकर के जागृति लाते हैं कि हम लोग ये सभी एक भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, हम लोग की सामाजिक एकता कायम रहनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, हम हिंदू की रक्षा करें, हिंदू मुस्लिम हमारी रक्षा करें, ये संदेश लेकर के हम लोग गांव समाज में जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ग्राम सांसद सद्भाव की बात, राज्य सरकार की उपलब्धि पर चर्चा में बैठक हुई थी हमारे प्रखंड में, जो हमारे 18 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उस पर चर्चा हुई विस्तार से। तो हम अपने जनता दल यू के जितने वार्ड तक के कार्यकर्ता को इसमें आमंत्रित किए थे उसको बताने के लिए कि हमारे साथ जो आदरणीय नीतीश कुमार का जो काम है उसके बल पर हम जो चुनाव लड़ेंगे, आदरणीय मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का जो हमारे सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी जो संकल्प लिए हैं इसके लिए हम लोग बैठक किए हैं। पूरे बिहार में हम लोग का बैठक चल रहा है, इस प्रखंड से हरेक प्रखंड में हरेक पंचायत तक इस बैठक के माध्यम से हम लोग जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रभारी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब जो है निष्ठा लेकर के पंचायत के बैठक तक जाने का संकल्प लिए हैं। हम बहुत मजबूत होकर के इस लड़ाई को लड़े। अभी हम सितवाहा जाएंगे, सितवाहा में पंचायत स्तर पर बैठक करेंगे, जितने बड़े बड़े नेता है सब पंचायत स्तर पर जा करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के जो काम है उसको गिना करके हम लोग सच्ची श्रद्धा से वोट लेंगे उनका और मोदी जी को परास्त करेंगे हम लोग 2024 में। तो आपने सुना साफ तौर पर दोनों का एक ही कहना था कि नीतीश कुमार जब से आए हैं बिहार में तब से बिहार डेवलपमेंट का रास्ता देख लिया है और लगातार सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें केंद्र की तो नरेंद्र मोदी ने लगातार लोगों को लड़ाने का काम किया, हिंदू से मुस्लिम को, मुस्लिम से हिंदू को, लेकिन अब ये नहीं होने वाला है और नीतीश कुमार अब जो है अपना पंख खोल लिए हैं और लोगों के बीच जो अब हम लोगों को बताना है कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया है और नीतीश कुमार का क्या रीज़न है और क्या विज़न है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।